आपके इस सफर के शुरुआत के पहले ही ददुआ की शादी हो चुकी थी या फिर इस सफर के बीच में जो है शादी हुई? इधर ददुआ अपने आप को ये कहने लगा था कि हालात जी उब गया, कहाँ तक के ही मारा जाए, के ही गरियावा जाए, लोगन के अंदर चाहे जितना कुछ साफ सुथरा चलो, हम आपस कम उतार समय पास करी थी, जिंदगी काटी थी, तो उस आरिन के नानी मरी जाए। कोई भी बागी बन करके अगर चाहे कि मैं सुकून से रह लूँ या साल दो साल चार साल का कॉल करके बिहार में जाए और सोच ले कि इतना समय गुजार लूँ, तो असंभव है भाई। इन सब में एक सबसे बड़ा निकृष्ट नेता रहा दद्दू प्रसाद। दद्दू प्रसाद चमार कुरील, वो वास्तव में चमार और कुरील है। 22/7/7 को लगभग 9:15 बजे दिन रविवार था, अमिताभ यश जैसा दिमागदार कप्तान, ऐसा एसटीएफ का क्या नाम से अगुआ साधारण खोजने में नहीं मिलेगा, उसने ददुआ जैसे गैंग का ददुआ को सफाया अपने दिमाग से करा दिया। तो इस बात की मैं बहुत बड़ी उनको बधाई दे रहा हूं और उनके दिमाग की दाद देता हूं। जब ये सफर आप लोगों का शुरुआत होता है तो क्या आपके इस सफर के शुरुआत के पहले ही ददुआ की शादी हो चुकी थी या फिर इस सफर के बीच में जो है शादी हुई? बताता हूँ ददुआ की शादी मेरी समझ में हुई थी। देखिए पहले शादी हुआ करती थी, बाद में कौन हुआ करता था, दो बार में। हाँ पहले काज हुआ था है, कहते काज भा, अब फिर कहाँ सुदीन हुआ था। अच्छा। तो ददुआ का मेरा अंदाजा है कि शादी वादी कहो 12-14 साल की उम्र में हो गई रही, रुक जाओ, हो गई रही हो। इसके बाद फिर क्या नाम से 5 साल बाद या 3 साल बाद फिर गौना हुआ, सुदिन हुआ रहा होगा। तो मेरा अंदाजा है कि 69-70 के आसपास गौना होगा था इसका। अच्छा। हाँ तो, और हमारी भी शादी इसी तरह 71 में हुई थी, पढ़ाई उढ़ाई छोड़ के, तो हमारी शादी 71 में हुई थी। आप लोगों की शादी बिहार में जाने से पहले हो गई? पहले हो गई। और ददुआ के दो लड़कियां, अब आप संक्षेप में ये भी बताएं, ददुआ के दो लड़कियां और एक लड़का है। ददुआ के कितने बच्चे हैं? दो लड़की और एक लड़का। दो लड़की एक लड़का। हाँ लड़का वही वीर सिंह भर है। और आप आपके कितने? हमारे दो लड़का और दो लड़की। दो लड़का दो लड़की दो लड़के आपके? चलिए ठीक है। और सीताराम? सीताराम के एक लड़की थी अपने घर द्वार है, और सीताराम के एक एक लड़का नहीं, रुक जाओ सीताराम के शायद 3 या 4 लड़के थे हैं अभी, बताता हूँ ना। तो सीताराम तो 1994 में अचानक दुर्घटना से ख़त्म हो गया था, और सीताराम का एक बड़ा लड़का था, अभिमन्यु नाम था उसका, उसको भी क्या नाम से बागी बनने का शौक़ लगा। तो वो कुछ दिन अपना चला बागी बना रहा, लेकिन ददुआ ने उसको अपने साथ न रखा। वो चाहता था कि दादू बाबा कहा करता था, दादू बाबा, जैसे सीताराम दादू चाचा कहा करता था, रिश्ते में गांव गाड़ी के रिश्ते में इनके इस तरह का रिश्ता था कि सीताराम के दादू चाचा और क्या नाम से वो दादू बाबा। तो ददुआ ने साथ में उसको न रखा, और उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, और उसमें कुछ लड़कपन था पीने खाने का, और कुछ युवा अवस्था वाला जो दुर्व्यसन कुछ हो, तो कहीं धोखाधड़ी में पड़ गया, वो मार दिया। कौन से सन में जो है ददुआ की जो है हत्या हुई या मारे गए वो? ददुआ कौन से सन में ददुआ मारे गए? रुको। तो ददुआ बहुत आगे बोल जाते हैं आप। ददुआ इस तरह से चलता चलाता रहा, ददुआ का भाई साहब यहाँ तक बन गया वो कि जैसे क्या नाम से घनश्याम केवट रहा, घनश्याम केवट भी ददुआ का सदस्य बना गैंग का, वो अलग गैंग है वाला, इधर ठोकिया रहा,
थकिया रहा, केवट वही जो 48 घंटा गोली चलाए। अरे कहूँ 48 घंटा हुआ सब घन से आम, हाँ सब जितने आई सब दादुआ के अमूरी जा रहे। अरे इनके घन से आमों से पहले उसका क्या नाम था यार, होगा कोई भूला जाता है भाई। अरे बहुत वही एक वो व्यक्ति एक ऐसा जवान था ददुआ का डीटो मिलता जुलता था। आज तक ददुआ की कोई शक्ल सूरत के लिए तरस रहा है, उसकी कहीं फोटो नहीं है किसी के पास। अगर हमारे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं है। ददुआ किसी को फोटो लेने ही नहीं देता था। अभी तो कहने का मतलब इधर ठोकिया भी इधर जित्ती क्या नाम से और गैंग रहे, इधर बीच में हुआ क्या कि 82 के आसपास हम लोगों के आत्मसमर्पण के बाद फिर क्या नाम से राजा रगौली को ददुआ ने अपने ही कुछ लोगों के द्वारा मरवा दिया, क्योंकि राजा रगौली खिलाफत करने लगा था। इसी तरह सीवन भी किसी किन्हीं कारणों से मार दिया गया भाई, कंट्रोल फिर रह ना गया तो गैंग इनका छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन ददुआ अपने आप में चलता रहा। इधर ददुआ राजे तैयार हो गया एक गैंग लेके चलने वाला, तो काफ़ी इनकी शक्ति रही, खूब अच्छी तरह से चलते चलाते रही। जितने भी गैंग रहे यानी ददुआ के सभी मुरीद बन गए। इस तरह से चलते चलाते अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हुए, सबका साथ देते हुए, समाज में अपना अच्छा वर्चस्व बनाए रखते हुए, लास्ट में इधर ददुआ अपने आप को ये कहने लगा था कि हालात जी उब गया, कहाँ तक के ही मारा जाए कि ही गरियावा जाए, लोगन के अंदर चाहे जितना कुछ साफ सुथरा चलो, हम आपज कमुटा समय पास करी थी, जिंदगी काटी थी, तो उस हार इनके नानी मरी जा थी कि हम खिलाफत कर रहे थे, क्या कहा हम काली दे थी जंगल में बने हैं, तो सासू नहीं रह पाई थी यार, है ले दो फिर पुलिस कैंप पर गए, फिर पुलिस आ गए, काहे का या सासू करत कराओ थी, जब हम कुछ करित नहीं आ कहू का हिसाब तो हमें कहे। तो इस तरह से बातें कहा करता था ददुआ, लेकिन अब जो शासन को करना है, जो पब्लिक को करना है, कर रहे हैं। और नेता लोगों की बात जहाँ है, तो नेता लोग तो अपनी भाई रोटी सेकने में रहते हैं, बड़ी साफ सुथरी बात है। जब से ददुआ ने BSP का दामन छोड़ दिया था, तो ददुआ का एक तरह से मान करके चलिए कि शक्ति कमज़ोर हो गई। अब BSP का छोड़ना ददुआ का केवल भाई के मोह में, बाल कुमार के मोह में, भाई बाल कुमार BSP सपा का दामन ले लिया, हाँ तो क्या नाम से उसको सपा को सपोर्ट करना पड़ा, BSP का दामन छोड़ दिया। तो BSP में जो था, जो लीडर उस समय उसके थे, वो बहुत ही सत्यनिष्ठ लोगों में थे कि अगर किसी ने हमारा साथ दिया तो उसका वो साथ देने का बहुत अच्छा वादा निभाते थे। तो BSP का साथ छोड़ना ददुआ की मौत का कारण, भाई साहब आपको बता दूं मैं मूल रूप से कि ददुआ की मौत का कारण हुआ है, पहला पुत्र मोह, भाई मोह और पैसे का मोह, एक पे ले लीजिए। दूसरा ले लीजिए BSP का दामन छोड़ देना, दो ले लीजिए। और तीसरा ले लीजिए खंडेहा, अपने यहाँ बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है खंडेहा प्रधानी, खंडेहा प्रधानी के दादू दादा तमाम लोग रहे, उनको नकार करके एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति था ददुआ से संबंधित, उसको प्रधान बना दिया था। वहाँ से चूँकि BSP का कैंडिडेट जीतना नहीं चाहिए था भला, लेकिन दद्दू प्रसाद वहाँ से लड़ा, तो दद्दू प्रसाद BSP का ही वहाँ से विधायक बन गया। अच्छा, BSP का दद्दू प्रसाद विधायक बन गया तो अपना हुआ मानिकपुर की प्रमुखी, मानिकपुर की प्रमुखी भी ले लीजिए चौथा कारण, चौथा कारण मानिकपुर की प्रमुखी। तो क्या नाम से मानिकपुर की प्रमुखी में क्या नाम से, ये मेरा अंदाज़ा है कि 2005 की बात है क्या, हाँ 2005 में मैं BDC रहा हूँ, और ददुआ ही नहीं बनाया था उसी क्षेत्र से बनाया था, पात्र क्षेत्र से, और ये वादा था कि क्या नाम से बलकाउन भैया आपको प्रमुखी करना है, और वीर सिंह को जिला पंचायत। तो वीर सिंह को जिला पंचायत सदस्यता लड़ाई गई थी, मुझे क्या नाम से BDC लड़ाया था, तो ये था कि नहीं आप मानिकपुर प्रमुखी देखिएगा और जिला पंचायत वीर सिंह देखिए। लेकिन ददुआ में बाद में ऐसा कुछ स्वार्थ निहित बना कि ददुआ ने यह कह दिया कि मैं प्रमुख बना दूंगा बलकौना को, तो फिर कहा ददुआ, फिर कहा मैं बलकौना क्या पुट्ठा काट ले हूँ, इतना पैसे में हावी हो गया था कि भाई बलकौना से फिर मुझे क्या मिलने वाला है,
तो मेरे लिए भी किनारा काट दिया आपने, साले को ही फिर से लड़ाया फूलचंद को। तो फूलचंद से तो उस बार की 2005 की मानिकपुर की प्रमुखी दिनेश मिश्रा ने जबरन ही ले लिया था। तो दिनेश मिश्रा प्रमुख बन गए, दिनेश मिश्रा प्रमुख बन गए। तो इधर निकट में चुनाव आना था विधायकी का उसका, तो क्या नाम से दद्दू ने टिकट दिला दिया दिनेश मिश्रा को विधायकी का, दिनेश मिश्रा विधायक बन गया। इस तरह से कुछ राजनीतिक लोगों का ऐसा जत्था बन गया, और उस समय प्रशासन को कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा लीडर नहीं था। नहीं, सबसे तो, बड़ा मौत का कारण जो है ददुआ के वो बीएसपी का छोड़ देना, बीएसपी का छोड़ देना, परित्याग कर। और अच्छा, अगर आप आपकी बात अगर करूं तो आप किसका सपोर्ट करते हैं? ऐसा है, किसका समर्थन करते हैं? अब ऐसा है हमारी बात, अब राजनीति पे आ जाइए। हम तो जो सही बात पूछो तो अपने स्कूल छोड़ने के टाइम से 1970 से राजनीति अब तक देखते चले आ रहे हैं। राजनीति में अपने यहाँ मैं चित्रकूट और बांदा की बात बता रहा हूँ, इसके पहले बांदा ही जिला हुआ करता था, आज चित्रकूट और बांदा तो हो गए, लेकिन हाँ छत्रपति साहू जी महाराज हुआ, इसके बाद फिर बांदा, नहीं 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 चित्रकूट का नाम छत्रपति साहू जी महाराज चित्रकूट, बांदा तो बांदा आज भी है, ठीक है। ये चित्रकूट का छत्रपति साहू जी महाराज बीएसपी कार्यकाल में हुआ था, ठीक। इसके बाद फिर ये चित्रकूट कर दिया गया है भाजपा में, ठीक। तो अब चित्रकूट है और बांदा है, तो सांसदीय क्षेत्र दो एक ही है। आप बताइए, रुकिए, जहाँ हमारी बात आप कहते हैं, तो सही बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर के ही राजनीति को देखता है और व्यक्ति को देखता है। तो हमारी राजनीति तो भाई साहब व्यक्ति विशेष की शुरू से रही है और आज भी है। आज जैसे आर के पटेल हमारे यहाँ से सांसद होते हैं, ठीक है, आर के पटेल के हमारे संबंध भी हैं, रिश्ते भी हैं, और हम कोई बात कह देते हैं तो ठीक है बड़काऊ हो जाएगा भाई चलो कह देते हैं फला को किए देते हैं। आर के पटेल जी, ना आर के पटेल जी सांसद सांसद हैं तो कर देते हैं। अब जैसे सपा का अनिल एक नया लड़का है, अनिल प्रधान करके, पुराने लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया गया, नया लड़का है और वो होनहार लड़का था, बड़ा मेहनत कश लड़का है, हम उसकी कार्यशैली से उसकी गतिविधियों से पहले भी खुश रहे आज भी खुश हैं। उसके पिता के ज़माने में हम लोग इनके घर में आया जाया करते थे, इनके हमको शरण मिला करती थी, हम उसी क्षेत्र में बागी रहा करते थे, तो इनके हमारे एक तरह से इनके पिता के ज़माने से संबंध है। इनका एक दादा थे या चाचा थे, भैया बाबा उनको कहते थे, वो संत हो गए थे, तो कबराहा मंदिर में अपने रहे और फिर उसके बाद अनसुईया जी में रहे। तो अनिल प्रधान जैसे विधायक बना, अनिल प्रधान के लिए तो हम लोगों ने तन मन धन से मेहनत करके उसको विधायक बनाया, अच्छे बातों से जीता, तो उसकी गतिविधियाँ उसकी कार्यशैली सब अच्छी हैं। तो भाई रे व्यक्ति विशेष पे राजनीति है यहाँ लोकल की। और क्या नाम आप, आपको क्या पसंद है? हमको तो सही बात पूछिए, आज जो शासन प्रशासन में जैसे मोदी जी का कार्य चल रहा है, योगी जी का कार्य चल रहा है कि सबका सम्मान सबका विकास, तो भाई इस बात को लेकर के हम निहायत खुश हैं। आज तक कभी योगी जी की कोई ऐसी कार्यशैली नहीं हुई है जो कि समाज के लिए नागवार हो, मोदी जी की ऐसे कोई कार्य नहीं जो समाज के लिए। और लास्ट और आखिरी सवाल दादाजी, क्योंकि समय का अभाव है, क्या जिस समय आपने इस मुहिम को जो है बिहार तक ले जाने का काम किया था, आज के समय पे उस समय को देखते हुए क्या आज के समय पे वैसा संभव है? ऐसा है। अरे यार आपने तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया भाई। देखिए उस जमाने में हम लोगों के कार्यकाल में संचार व्यवस्था नहीं थी, आज इतनी संचार व्यवस्था हो चुकी है कि कोई भी बागी बन करके अगर चाहे कि मैं सुकून से रह लूं या साल दो साल चार साल का कॉल करके बिहार में जाए और सोच ले कि इतना समय गुजार लूं, तो असंभव है भाई साहब, असंभव। यहाँ लोग घर के अंदर पड़े हैं और कहो पुलिस को जानकारी दे गई कि हमारे गांव में फला के यहाँ गैंग पहुँच गया, खाना पीना कर रहा है, पुलिस घेराव कर लिया। और दूसरा सवाल कि जिस समय बिहार में आप लोग रहा करते थे अपने टीम के साथ, तो जो खाना वाना खाने या बनाने वाली प्रक्रिया होती थी, क्या आपके टीम के सदस्यों द्वारा
बनाया जाता था खाना या तो फिर कहीं से मंगाया जाता था। चलिए चलिए ठीक है, वो तो क्षेत्र इलाके पे जो जैसी सुविधा थी वैसे किया जाता था। जैसे किसी इलाके किसी गांव में पास हैं नज़दीक हैं, आपसे हमारे अच्छे व्यवहार हैं, तालमेल हैं, आप घूमते घामते पहुंच गए हो कि भैया आए हैं, चलो मिलाया जाए, आप चले गए, आपने स्वेच्छा से कह दिया कि भैया खाना वाना मत बनवाना यहाँ, खाना मैं भिजवाऊँगा आपको, अरे यार तुम ज़्यादा समय लगा दोगे भाई, हमको भूख लगी है, नहीं भैया मैं ज़्यादा ज़्यादा एक घंटे के अंदर मैं आपको पूरी सब्जी और क्या नाम से दूध हो जाऊँ घर हुई खटाई मिचाई घर वो, तो अच्छा चल ठीक है यार भाई बेटा भिजवा दे आप, इस तरह से हो जाती थी। और जहाँ कहीं दूर दराज है व्यवस्था नहीं है तो हम लोग अपने पास आटा भाटा बर्तन बनाने का खाने पीने का सामान सब कुछ रखते थे, तो दो तीन चेला साथ में रहा करते थे गाँव के ही सदस्य, वो भी अपना सब तुरंत करके फटाफट खाना पीना बनाया और खा पी लिया। कहीं बरसात हो रही है तो लकड़ियों की जंगल में कमी रहती नहीं रही है, पन्नी ऊपर से लगा देते रहे पेड़ों में बांधते, पन्नी रखा करते थे, बड़ी बड़ी छाता भी रखते थे, तो पन्नी के नीचे अपना सारा सामान रखा है, खाना पीना बन गया, सब लोग खा पी लिया, इस तरह से अपना समय गुजर करता है। यानी ज़्यादातर समय कि भाई ये तो कोई लक्ष्य था नहीं कि हाजिर होना है, हम लोग तो बीच में ऐसा कुछ चांस मिला और हमको ईश्वर की कृपा हुई कि बचना था, समाज में जिंदा रहना है, तो क्या नाम से हमारा मूड बदल गया, तो गया बाबा भाई गया मिश्रा और मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये लोग जीतते थे, नहीं आत्मसमर्पण किया तो उसका खामियाजा ये हुआ कि कहीं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, हैं जिसके पीछे शासन प्रशासन लग जाए, फिर ये मानकर चलिए कि शासन प्रशासन की बहुत लंबी बाहें हैं, जितनी देर चाहे उतनी देर हो तुम्हें समेट ले, हैं। लेकिन ददुआ में सबसे बड़ी कमी थी कि निरक्षर था, सोच तो उसकी बहुत बड़ी थी, बुद्धिमान था, सब कुछ था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, फैसला लेने में कि नहीं किस बात पे हमारा क्या नाम से सुकून होगा। अब वो डर गया इस बात पे, जैसे हमारे चार मर्डर हो गए थे, हमारे चाचा को भाई को सजा हो गई थी, और इस तरह से और अन्य केसों में तमाम लोगों के साथ तो, कभी किसी बड़े नेता की किडनैपिंग वगैरह की थी? नहीं, नेता वगैरह की किसी कभी नहीं की गई। नेता लोग मतलब ये तो आपने बता ही दिया कि अक्सर जो नेता यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे वो काफी जो गंभीर मंत्रणा किया करते थे और सहयोग लिया करते थे, और बाकी एवज में आपने बताया ही कि उसके चुनाव सहयोग के एवज में प्रशासन को कंट्रोल में रखना है और प्रशासनिक गतिविधियों पर सहयोग करना और पैसे जो है काम देना या कमीशन देना, ये सारी चीज। अब आपको बता दें नेतागिरी की बात, हम सही बात तो ये है कि जो भी नेता हम लोगों के टच में आए हैं ददुआ के ज़माने तक, अच्छी तरह हम सबको जानते मानते रहे, सब कुछ जानते समझते हैं, सब ने अपनी अपनी गतिविधियाँ अपनी अपनी कार्यशैली कोई ऐसी नहीं निभाई है कि ददुआ के अपोज में रही हो या हमारी अपोज में रही हो। इन सब में एक सबसे बड़ा निकृष्ट नेता रहा दद्दू प्रसाद। चमार कुरील, वो वास्तव में चमार और कुरील है, उसमें जरा भी किसी के शुक्रगुजार की भावना नहीं। इतना बड़ा निरंकुश आदमी, इतना बड़ा क्या नाम से स्वार्थी आदमी कि ददुआ के वो पैर चापा करता था, और जब यहाँ आया था वो तो मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि मुझे अपने को भरुआ सुमेरपुर की जूती चमड़े की पहनने का शौक़ है, आज भी वही जूती पहनता हूँ। तो दद्दू जब आया था यहाँ सन 85 के आसपास है क्या, 50 ध्यान नहीं आ रहा, 90 95 के पास है क्या है यार, खैर तो जब खूब अच्छी तरह याद है कि एक बांदा के थे राम रूप करके बाबू, वो खंगार थे, और एक और कोई व्यक्ति थे याद नहीं यार, दद्दू को लेकर के आए थे। तो दद्दू खूब अच्छी तरह याद है कि हमारी जूतियों की धूल पोंछ करके उसने अपने माथे में लगाया था, और वही दद्दू का इतना बड़ा संरक्षण हम लोगों ने दिया और दद्दुओं ने दिया कि दद्दू मंत्री पद तक गया। विधायक बनना तो बहुत आसान बात रही, लेकिन मायावती के भी ददुआ के अच्छे तंत्र रहे, मायावती जो कह ददुआ जो कह देता था होता था, मंत्री पद तक मिला दद्दू प्रसाद को। लेकिन दद्दू प्रसाद इतना क्या नाम से निरंकुश निकला, इतना क्या नाम से एहसान बेफरामोश निकला कि वही ददुआ के मर जाने के बाद वो बोलने लगा कि ददुआ का सफाया मैंने कराया। अच्छा भाई
इसी बात से हम दद्दू से खुन्नसमाने हुए हैं कि पार्टी से हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन दद्दू से व्यक्तिगत विरोध है। दद्दू जैसा निरंकुश आदमी, उसने कह दिया कि ददुआ का सफाया मैंने, ये तो कई बार माइक पकड़ करके बोला, प्रत्यक्षदर्शी सुनने वाले लोगों ने बताया। तब मैंने फिर ये बात कही थी नसीमुद्दीन जिस समय मंत्री थे, नसीम ये बात 2005 की है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हाँ उनसे मैंने कहा था, यहाँ आए थे एक बार मीटिंग लिया था चीबो कॉलेज में, उस समय अपनी पत्नी को नसीमुद्दीन जी एमएलसी का चुनाव लड़ा रहे थे, मैं बीडीसी था तो उनको भी वोट देना था, नसीमुद्दीन का मेरा परिचय था, उस समय का परिचय था जब नसीमुद्दीन जी बांदा में नगर पालिका की ठेकेदारी किया करते थे, मेरा परिचय था, तब बात किया था। उस समय नसीमुद्दीन जी ने कहा था दद्दू से कि क्यों जी तुम इस तरह माइक पकड़ कर बोलते हो कि दद्दू का ददुआ का सफाया मैंने कराया। तब उस दिन से फिर दद्दू ने अपनी जवान में लगाम लगाई थी, तो इतना निरंकुश आदमी निकला। इस तरह से तमाम सारी राजनैतिक दौर और सामाजिक सहयोग, राजनैतिक सहयोग, गरीब यतीम लोगों का सहयोग करते हुए और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ धनोपार्जन का उपाय करते हुए गैंग का पूरा पूरे परिवार का 25 आदमी 30 आदमी गैंग के उनके सबके परिवारों को देख रेख करना करते कराते चलते चलाते लास्ट में हुआ क्या कि 22/7/7 को लगभग 9:15 बजे दिन रविवार था, ददुआ अपने ही परिवार के एक घाटी भतीजा की साजिश से और अरविंद मौर्या को अगुआ बना करके उसके वो बैग ले, चूँकि अरविंद मौर्या सब सामान ले जाता था, बैग में बंद रख करके और अमिताभ यश जैसा दिमागदार कप्तान ऐसा एसटीएफ का क्या नाम से अगुआ साधारण खोजने में नहीं मिलेगा, उसने ददुआ जैसे गैंग का ददुआ को सफाया अपने दिमाग से करा दिया। तो इस बात की मैं बहुत बड़ी उनको बधाई दे रहा हूँ और उनके दिमाग की दाद देता हूँ कि अभिलाष यश की अगुवाई में ददुआ का सफाया हुआ। तो अरविंद मौर्या बब्बू के इशारे पर एसटीएफ के क्या नाम से कंट्रोल में आ करके अरविंद मौर्या जाता है बैग में बम लेकर के फिट करके रिमोट बम और वो करके वहाँ पहुँच जाता है, ददुआ के पास रखता है, सर सामान निकालने लगता है अंगद, तो वहीं पर वो रिमोट दबा कर 4 कदम हट करके रिमोट दबा देता है अरविंद मौर्या, यहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है, गैंग का सफाया हो जाता है। लास्ट में दिनांक 22/7/7 को 9:15 बजे लगभग ददुआ की कहानी खत्म, सियावर रामचंद्र की जय। ये दोस्तों हमने आज आपको सुनाई बुंदेलखंड के बीहड़ के बागी डकैत ददुआ की कहानी, बचपन से लेके उस समय तक की जब तक कि उनके शरीर में जीवंत की सांस नहीं रही, और जिनके मुखार बिंदुओं से हमने आपको ये सारी कहानी का अवलोकन करवाया, ये सारी कहानियाँ हमने आपको सुनवाई, ये ददुआ के गुरु थे जनार्दन सिंह पटेल जी, जिन्होंने उस गैंग की शुरुआत की थी और उस गैंग के संगठन करने का और बीहड़ तक ले जाने तक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल दर्शक न्यूज़24 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की रोचक खबरों के साथ पुनः मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ मैं हरकिन साथ हर खबर आप तक।